हेलो, आप आकर्ष राव, दिस इज यूए कैपिटल। बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी में क्या हुआ, मैंने आपको क्लियरली बोला था निफ्टी में ऊपर 30-35 के ऊपर बाय करना है, लेकिन वहां पे आया ही नहीं मार्केट, सीधा गैप अप हुआ, नीचे आया। लेकिन जो हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको लास्ट मंथ के एक्सपायरी में बताया था, हमारा जो भी एक्सपायरी क्लोज होगा उसके ऊपर 50-60 पॉइंट मिलता है तो खरीद लो। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस बस 100 पॉइंट रहता है, अगर ले सकते हो तो लो, अदरवाइज छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो, आपने लिया होगा अराउंड 70 के आसपास बाइंग, क्योंकि 20 के ऊपर, 17920 के ऊपर 50 पॉइंट मतलब होता है 70। तो 70-80 के आसपास अगर आप बाई करते, तो यहाँ पे देखो ऊपर कहाँ गया मार्केट, 18128 के आसपास, मतलब अराउंड 150-200 पॉइंट्स के लगभग आपको पॉइंट मिले होंगे इस लेवल के हिसाब से। Understood? लेकिन हमारे जो लेवल थी 35 के ऊपर, यहां तक नहीं आया मार्केट। अगर इस लेवल के हिसाब से आप वेट कर रहे हो तो आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, और हमने इस लेवल पे ट्रेड लिया है। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला हमने लास्ट में ट्रेड क्यों लिया आपको दिखा देता हूँ। ये देखो निफ्टी, देखो 18,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पे मार्केट इसी लेवल के आसपास खेलता रहा, जो इसका हाई था ऊपर 990, ये था स्पॉट निफ्टी। ठीक है, तो इसको 18,000 के ऊपर नहीं जाना था, लेकिन फाइनली ये जो बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ से पता चल गया कि मार्केट को 18,000 के ऊपर जाना है, तो उसके बाद हमने बाय किया था और इसी बड़े कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया था, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि अगर वो फिर से 18,000 के नीचे आ जाता और सस्टेन करता तो फिर नीचे चला आता, और ऊपर जाता तो सीधा ऊपर जाता। तो ये पूरा का पूरा रैली हमने कैप्चर किया। ये थोड़ा सा आपको डीप में सीखना पड़ेगा, बाद में पता चल जाएगा ये कैसे वर्क होता है मार्केट में। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि हम 56 के आसपास बाय करना है, ऊपर देखो उसी कैंडल में गया है 143 के आसपास। लेकिन देखो फर्स्ट कैंडल में बाय करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आपने वेट किया और बाद में अगर आपने चेक किया है, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं मिला होगा, सीधा आपको बाय मिला होगा यहाँ पे इस लेवल पे। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो आपको ये बड़ा टारगेट मिल गया होगा, अराउंड 200 पॉइंट का रैली आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो देखते हैं अभी ट्यूसडे के लिए किस टाइप का ट्रेड हम कर सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा लेवल आपको दिखा देता हूं, ये हमारा बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी ने ये लेवल भी ब्रेक किया, ये तो किया ही था, अभी ये लेवल भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अभी बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करती है बाइंग जोन में, तो उसको यहां तक जाना पड़ेगा, इस लेवल तक जो है अराउंड 43650 के आसपास। तो अभी ऊपर अगर जाता है मार्केट तो कहां पे बाय करना है, देखो ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, अभी इसके ऊपर ही रहना चाहिए। और हमारा जो ये लेवल है 43,000, वो हमारा मंथली एक्सपायरी भी है और साइकोलॉजी लेवल भी है 43,000। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो मार्केट इस लेवल के आसपास अगर रुकता है और ऊपर चला जाता है, तो आप बाय कर सकते हो फॉर 300 पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे सपोज मार्केट ओपन हुआ और ऊपर चला गया, इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो, जो कि लेवल मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 43290 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, 43290 के ऊपर बाय करो, और शॉर्ट तब करना है जब ये 43 के नीचे आए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा सा गैप डाउन और नीचे आए, और इस लेवल का अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर फिर से ऊपर चला जाता है, तो 43100 के ऊपर आप बाय करो। शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा सा इग्नोर करो, शॉर्ट का ट्रेड तभी करेंगे जब 43,000 के नीचे सस्टेन करके नीचे जाएगा 42900, तो 42900 के नीचे जाएगा तभी शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज बाय का ही सोचेंगे। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ये हुआ बैंक निफ्टी। अभी देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। ये रहा हमारा निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, इसके ऊपर बाइंग जोन रहेगा मार्केट, मैंने बोला था। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा हर्डल है ऊपर, ये लेवल, ठीक है, इस लेवल के आसपास वो जा सकता है, 150-160 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा ये दिख रहा है आपको डबल टॉप, ये वाला और ये वाला, इसके आसपास वो जा सकता है, दैट इज 214। तो निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा बाय करने के लिए, लेकिन तभी भी अगर ये 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाता है, तब इस लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हो 130 के आसपास,
मतलब 18130 के आसपास बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए बस 20 पॉइंट, 18150 आपका टारगेट होगा, उसके ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास अगर आप बाय करते हो तो 20 पॉइंट का टारगेट रखो, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां से नीचे आ सकता है। अदरवाइज इग्नोर कर दो ट्रेड, 20 पॉइंट के लिए अगर छोड़ देते हो ट्रेड तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आए तो देखो, ये जो जोन है ये बड़ा अच्छा जोन है बाइंग के लिए और शॉर्ट के लिए भी। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास, या फिर थोड़ा गैप डाउन होके इस लेवल के आसपास थोड़ा खेलता है और ऊपर चला आता है, तो इस लेवल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, जो लेवल है 80 का, तो मतलब 18080 के ऊपर हम करेंगे बाय। अगर नीचे आके ऊपर चला जाता है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है तो, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो लेवल होगा 18020 के नीचे। तो शॉर्ट करना है 18020 के नीचे, अंडरस्टूड? तो इस लेवल का ट्रेड बनेगा ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ट्रेड, एंड वी आल्सो हैव इंस्टाग्राम पेज दैट इज ua.capital। फॉलो दैट पेज, यू विल गेट मोर इन्फो देयर। एंड अगेन आई एम आकाश दास, दिस इज ua capital। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।